सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी मित्र डॉक्टर अशोक शर्मा। साथियों, आज आप सब जानते हैं कि रीट एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया है, उसको स्थगित कर दिया गया है और साथ ही उसकी नई डेट भी दे दी गई है। आप सब जानते हैं नई डेट क्या है, क्यों इसको स्थगित किया गया है, आप सब जानते हैं, तो इस बारे में हम बिल्कुल भी चर्चा नहीं करेंगे। मेरा कोई भी वीडियो बनाने का ये मकसद नहीं होता है कि जस्ट आप लोगों का टाइम पास किया जाए, आप लोगों से व्यूज लिए जाएं, आप लोगों को वो बात बताई जाए जो आपको पहले से जानकारी है नए नए शब्दों के माध्यम से, ऐसा मेरा बिल्कुल मकसद नहीं होता। तो इस सेशन में जो हम चर्चा करेंगे वो ये करेंगे कि अब हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए। ए मैन इज व्हाट हिज माइंड इज। एक आदमी वो होता है जो उसका मस्तिष्क होता है। आप कितने मेंटली स्ट्रांग हैं ये आपको एग्जाम में पास और फेल कराता है। मैं अक्सर कहता हूं कि आप पे जब एग्जाम देते हैं तो न केवल आपके नॉलेज का टेस्ट होता है बल्कि आपके टेम्परामेंट का टेस्ट होता है। ये आपका टेम्परामेंट का टेस्ट है। कोई भी अभ्यर्थी ये नहीं माने कि ये मेरे लिए बुरा हो गया है, क्योंकि जो होना है वो हो गया है। अब यदि आप ये कहोगे बुरा हो गया तब भी ये बुरा है, और यदि आप इसको एक अवसर के रूप में लेंगे, आप इसको एक अवसर के रूप में बदल देंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। प्रॉब्लम्स हमारे लिए बड़ी नहीं होती हैं, प्रॉब्लम्स हमारे लिए हमारी असफलता का कारण नहीं होती हैं, घटनाएं हमारे लिए हमारी असफलता का कारण नहीं होती हैं, बल्कि हम उनको किस प्रकार से रिस्पोंड करते हैं, उनके प्रति हमारी किस प्रकार की प्रतिक्रिया होती है, ये हमारी सफलता और असफलता को तय करता है। बहुत सारे बच्चे आज अभी से ये सोच लेंगे कि चलो अभी 3 महीने बाद एग्जाम है, 3 महीने बाद तैयारी कर लेंगे, 1 महीने बाद कर लेंगे, अब तो बस थोड़े दिन आराम करते हैं, आज तो मैं इंडियन आइडल देखूंगा, आज तो मैं ये करूंगा, आज मैं वो करूंगा, 2 दिन में तो त्योहार मनाऊंगा। नहीं, इस प्रकार की मानसिकता के जो लोग हैं वो मानसिक रूप से कमजोर अभ्यर्थी हैं, उनका रिजल्ट ठीक नहीं आना है। इसलिए आप अपनी मानसिकता को निश्चित रूप से बदल लें कि आज जितनी तैयारी आप कर रहे थे उससे भी ज्यादा तैयारी करेंगे आज से आप। ये अवसर है आपके पास, अपनी तैयारी को और धार देने का अवसर है ये आपके पास। इस समय को एक अवसर के रूप में लीजिएगा और अपनी तैयारी को इतनी चरम सीमा पर लेके जाइएगा कि अब ये 2-3 महीने मुझे बचे हैं, अब तो चाहे एग्जाम में कितना कुछ भी आ जाए मैं इतनी बार रिवीजन करूंगा। मैं अक्सर बच्चों को कहता हूं कि रिवीजन इज की टू सक्सेस। यदि आपको कोई भी एग्जाम पास करना है तो आपको रिवीजन 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 एंड रिवीजन इज की टू सक्सेस। आपको रिवीजन ही करना पड़ेगा। जितना ज्यादा बार आप रिवीजन करेंगे आप अपने सफलता के उतने नजदीक चले जाएंगे। आपका सही समय पर आपने सिलेबस कर लिया, अब उसका रिवीजन कीजिएगा। 3 तरह के लोग होते हैं। एक समटाइमर्स होते हैं जो एग्जाम के आसपास मैंने 15-20 दिन के आसपास तैयारी करते हैं, समटाइमर्स कहते हैं उसको, समटाइमर। कभी कभी उनकी असफलता निश्चित होती है, वो चीज एग्जाम 6 महीने बाद चली जाए, एग्जाम 1 साल के बाद चली जाए, एग्जाम 25 अप्रैल को ही होती तो भी, क्योंकि उनकी मानसिकता इसी तरह की है कि वो जब तक प्रेशर नहीं आएगा, एग्जाम के 10 दिन पहले 15 दिन पहले नहीं हो जाएंगे तब तक वो ऐसे ही समय को बर्बाद कर देंगे। तो दूसरे तरह के लोग होते हैं पार्ट टाइमर्स। पार्ट टाइम में तैयारी करेंगे वो, अब सोचेंगे कि 3 महीने हमारे पास हैं तो ये भी कर लिया जाए, वो भी कर लिया जाए, ये भी कर लिया जाए, वो भी कर लिया जाए, पार्ट टाइम में तैयारी भी कर ली जाए। बिल्कुल गलत रणनीति हो जाएगी, आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि जो पार्ट टाइमर्स होते हैं उनकी सफलता बड़ी संदिग्ध होती है, उनकी सफलता बहुत मुश्किल होती है, वो संदेहास्पद होती है। फिर तीसरे प्रकार के लोग होते हैं फुल टाइमर्स। जिन लोगों ने तय कर लिया कि मैं ये काम करूंगा और जब तक उसका रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक वो उस पर लगे रहते हैं, वो होते हैं फुल टाइमर्स। उनकी सफलता का जो भविष्यवाणी होती है, उनकी सफलता का जो रेशियो होता है, उनकी सफलता की जो
गारंटी होती है, ये कहना चाहिए कि उनकी सफलता की गारंटी होती है, वो 100% गारंटी होती है, वो निश्चित रूप से सफल होते हैं जो फुल टाइमर्स होते हैं। आप लोगों को फुल टाइमर्स बनना है, आप कार्य के प्रति सम्मिलित हैं, आप काम में सम्मिलित हैं या काम के प्रति समर्पित हैं, ये ध्यान दीजिएगा कि आप काम में सम्मिलित हैं या आप काम के प्रति समर्पित हैं। आपको समर्पित होना ही पड़ेगा। यू आर नॉट पेड फॉर योर एफर्ट्स, यू आर पेड फॉर योर रिजल्ट्स। आपने कितने प्रयास किए ये मायने नहीं रखता है। एग्जाम आगे चलेगी तो आपको तब तक प्रयास करने हैं जब तक एग्जाम नहीं हो जाती है, और बहुत अच्छे ढंग के प्रयास करने हैं, जितने पहले प्रयास कर रहे थे उससे भी ज्यादा प्रयास करने हैं। मोटिवेटेड, अब भी लोग मोटिवेट होंगे, आज भी मोटिवेट होंगे लोग, एग्जाम आगे खिसक गई, अब उनको एक अलग प्रकार की अभिप्रेरणा मोटिवेशन मिलेगा कि यार अब कुछ दिन आराम करेंगे, अब इंजॉय करेंगे। मोटिवेटेड हैं बट दे आर रॉन्गली मोटिवेटेड, गलत तरीके से मोटिवेटेड है वो। आपको अपने लक्ष्य के प्रति मोटिवेटेड होना है। ये बात आज मेरी अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा आप लोग, कि जिन जिन बच्चों ने आज ढिलाई बरतना शुरू कर दिया, जिन जिन लोगों ने आज अपने प्रयास कम कर दिए, जिन जिन लोगों ने आज पढ़ाई कम शुरू कर दी, जिन जिन लोगों ने अगले दस दिन बहुत क्रिटिकल होने वाले हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि पढ़ाई का एक तरीका होता है, सर्कल बनता है पढ़ाई का। आप एक बार पढ़ाई से 10% दूर जाइएगा, यानी आपने एक दिन नहीं पढ़ा, आपको वापस पढ़ाई में आने में 2 दिन लगेंगे। आपने 5 दिन पढ़ाई छोड़ दी, मान के चलिएगा कि 15 दिन तक आप वापस आ ही नहीं पाएंगे, और जब तक 15 दिन नहीं आ पाएंगे 20 दिन निकल जाएंगे, 25 दिन निकल जाएंगे, जो पढ़ा था वो भी चला जाएगा। इसलिए ऐसी गलती नहीं करेंगे। मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद एकमात्र यह है कि आज बहुत सारे बच्चे यही गलती करेंगे, अब बस गुरुजी मजे लेंगे, बस अब त्यौहार मनाएंगे, अब 15-20 दिन ये करेंगे, अब तो कोई जल्दी नहीं है, सब तो हो जाएगा, मेरा सिलेबस तो हो रखा है, बस थोड़ा रिवीजन करना है। ऐसे लोगों की सफलता संदिग्ध हो जाएगी। इसलिए बेटा आज से ही अपनी तैयारी को और तेज कर दीजिएगा, ये डिफरेंस पैदा करेगा आप लोगों के बीच में। अब कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो तैयारी को तेज करेंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो तैयारी को कमजोर करेंगे, ये डिफरेंस पैदा होगा। आशा करता हूं कि आप लोग अपनी तैयारी को बहुत तेजी से शुरू कर देंगे। अब थैंक यू वेरी मच।